हेलो एंड वेलकम व्यूअर्स, आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं ओवरबर्डन का मतलब और उसकी प्रोनाउंसिएशन। साथ ही वीडियो के एंड में देखेंगे कि हम ओवरबर्डन शब्द का सेंटेंस में इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। ओवरबर्डन की प्रोनाउंसिएशन है OVER, ओवर, BUR, बर, DEN, डेन, ओवरबर्डन। ओवरबर्डन को हम ओवरबर्डन्स, ओवरबर्डन्ड और ओवरबर्डनिंग भी कहते हैं। ओवरबर्डन का अर्थ होता है बहुत लाद देना, ज्यादा बोझ डालना, अधिक जिम्मेदारी डालना, पल्ला झुकाना या अधिक जिम्मेदारी डालने को हम ओवरबर्डन कहते हैं। टू गिव एन ऑर्गेनाइजेशन, पर्सन और सिस्टम मोर वर्क और प्रॉब्लम्स दैट दे कैन डील विद। किसी संगठन, व्यक्ति या व्यवस्था को जितना वे कर सकें उससे ज्यादा काम दे देना, तब हम उसे ओवरबर्डन कहेंगे। तो अगर एक सेंटेंस एग्जाम्पल देखें तो द मैनेजर इज ओवरबर्डन्ड विथ वर्क। प्रबंधक को बहुत अधिक काम दिया गया है। ओवरबर्डन के समानार्थ शब्द या सिनोनिम्स हैं ओवरलोड अधिभार, बर्डन बोझ, ओवरटैक्स अधिक कर वसूलना, ओवरवेल्म घबरा जाना, लोड भार। वहीं ओवरबर्डन के एंटोनिम्स या विलोम शब्द हैं एड सहायता, हेल्प मदद, वेस्ट टाइम समय बर्बाद करना, सेव वंस स्ट्रेंथ अपनी ताकत बचाओ, सेव एनर्जी ऊर्जा बचाओ। आइए अब हम ओवरबर्डन का सेंटेंस में इस्तेमाल करके देखते हैं। The horse was overburdened with bags, so it fell. घोड़े को बहुत ज्यादा थैलों से लाद दिया गया था, इसीलिए वह गिर गया। The bus was overburdened with passengers. बस यात्रियों से खचाखच भरी हुई थी। The kids should not be overburdened with too much information. बच्चों को बहुत अधिक जानकारी से लादना नहीं चाहिए। अब आपकी बारी। नीचे कमेंट में आप ओवरबर्डन शब्द से सेंटेंस बनाकर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मीट यू नेक्स्ट टाइम विद अ न्यू वर्ड। अंटिल देन, स्टे हैप्पी एंड कीप लर्निंग।